पहले दो घंटे में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के दौरान 20% से अधिक मतदान की खबर। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्य मुकाबला लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस गठबंधन के बीच। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में किया गया समारोह पूर्वक स्वागत। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के भीतर विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा। वे इलाहाबाद भगदड़ की न्यायिक जांच और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति में सुधार की कर रहे थे मांग। सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के खिलाफ निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में इन कंपनियों और समूह के प्रमुख सुब्रत राय समेत कुछ शीर्ष अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने और अचल संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश। कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सौदे पर फिलहाल लगी रोक। सीबीआई जांच में सच्चाई के बाद रक्षा मंत्रालय कर सकता है सौदे को रद्द। विपक्ष ने इस मामले की जांच के लिए देरी से आदेश देने का सरकार पर लगाया आरोप। सेना ने असम के गोलापाड़ा जिले के हिंसाग्रस्त इलाकों में किया फ्लैग मार्च। वहां देखते ही गोली मारने के दिए गए थे आदेश। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि वे हिंसा की सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। इस घटना में 20 लोग मारे गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चंदन तस्कर वीरप्पन के 4 साथियों की दया याचिका खारिज कर दी। इन्हें वर्ष 1993 में कर्नाटक में बारूदी सुरंग में किए गए विस्फोट में 21 पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दोषी पाया गया था। स्वाइन फ्लू की स्थिति दिनों दिन हो रही है गंभीर। स्वाइन फ्लू से अब तक देश भर में 132 लोगों की हो चुकी है मौत। 700 से ज्यादा लोग संक्रमित। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने कैथोलिक चर्च में धार्मिक मतांधता और प्रतिस्पर्धा खत्म करने का अनुरोध किया। उन्होंने कल सेंट पीटर बेसिलिका में सामूहिक प्रार्थना सभा में अंतिम बार भाषण दिया। कोषों तथा खुदरा निवेशकों की चुनिंदा लिवाली से आज बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स करीब 20 अंक की बढ़त के साथ 19,628 पर खुला। निफ्टी भी 5 अंक के लाभ के साथ 5,938 पर खुला। रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 54.94 रुपए के स्तर पर पहुंचा। रुपया कल डॉलर के मुकाबले 53.82 रुपए पर बंद हुआ था। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 6 साथियों के साथ माले स्थित भारतीय उच्चायोग में ली शरण। मामले को सुलझाने के लिए मालदीव और भारत के बीच बना हुआ है संपर्क। राष्ट्रपति भवन परिसर में बने मुगल गार्डन के दरवाजे कल से आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। साल में एक बार आम लोगों के दीदार के लिए खुलने वाला मुगल गार्डन इस साल 20 मार्च तक खुला रहेगा।